महाराज विधि का विधान था कि उन्हें संतान नहीं होगी आत्मदेव ब्राह्मण को। आत्मदेव ब्राह्मण व्याकुल हो गए, क्या करें। अंत में उन्होंने निर्णय किया आप जाकर के मर जाएं, ऐसे जीवन से क्या लाभ, जीवन में संतान सुख नहीं, मरने के लिए चल पड़े आत्महत्या करने के। रास्ते में एक सन्यासी महात्मा मिल गए, उधर से आ रहे थे। सन्यासी महात्मा परिचित थे। सन्यासी महात्मा ने पूछा, अरे आत्मदेव कहां जा रहे हो। तो आत्मदेव ने कहा, मैं मरने जा रहा हूं। बोले क्यों, आत्महत्या तो पाप है। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, मेरे कोई संतान नहीं है और संतानहीन जीवन से मैं दुखी हो गया हूं, इसलिए मैं मर जाना चाहता हूं। तो सन्यासी ने उनको समझाया। सन्यासी जी ने कहा, मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम, इस अज्ञान को तुम त्यागो। पुत्र में जो तुम सुख देख रहे हो कि बेटा हो जाए तो हम सुखी हो जाएं, ये तुम्हारा अज्ञान है। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति ही, कर्म की गति बड़ी बलवान है, इसलिए इस आशा का तुम त्याग कर दो और ये आत्महत्या का जो संकल्प है इसे त्यागो। जैसे जीवन जी रहे हो शांति से जियो, भजन करो। विवेकम तु समासाद्य, विवेक का उपयोग करो, बुद्धि का उपयोग करो। ये आत्महत्या पाप है, लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण को तो पुत्र का मोह था, मुझे बेटा हो बेटा हो। आत्मदेव ने कहा, महाराज हम तो मरेंगे, अब तो मेरे जीवन का एक ही उपाय है कि मुझे संतान हो, तब तो हम जिए, नहीं तो जीने का कोई मतलब नहीं। तो सन्यासी जी बड़े विद्वान थे, उन्होंने आत्मदेव ब्राह्मण के मस्तिष्क को देखा और उनके मस्तिष्क की रेखाओं को देखकर पढ़ लिया उनका भाग्य। और सन्यासी जी ने कहा कि हे विप्र, तुम्हारे प्रारब्ध को मैंने देख लिया, तुम्हारे प्रारब्ध में संतान का योग नहीं है, और इस जन्म की कौन कहे, अभी आगे 6 जन्मों तक तुमको संतान नहीं हो, आगे के 6 जन्म और एक जन्म जो ये चल रहा है ये 7, सप्तजन्मावधि पुत्रो नैव च नैव च। सन्यासी ने कहा कि 7 जन्मों तक तुम्हें अभी संतान का सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे प्रारब्ध का यही विधान है। अब तो महाराज वो ब्राह्मण व्याकुल हो गया, 7 जन्म तक हमें संतान नहीं होगी। अब तो उस ब्राह्मण ने कहा, महाराज अब हम मरने के लिए तालाब और कुआं में नहीं जाएंगे, हम तो यहीं मरेंगे। और वहीं ब्राह्मण सन्यासी जी के सामने अपना सिर पटकने लगा, मैं यहीं आपके सामने अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा, हा हंत मेरे जीवन में इतना दुख। सन्यासी जी परेशान हो गए, क्या करें, ये ब्राह्मण तो मर जाएगा सिर पीट पीट करके, और इसके भाग्य में संतान है नहीं, होगी नहीं, अब इसको कौन समझावे। तो किसी प्रकार सन्यासी जी ने उपाय निकाला। सन्यासी जी ने अपनी झोली से एक फल लिया और वो फल लेकर के आत्मदेव ब्राह्मण को दिया, बोले ले जाओ ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान की कृपा होगी तो संतान पर। महाराज ब्राह्मण देवता जो थे उनको संतान नहीं थी। महात्मा ने समझाया कि आपको पुत्र नहीं होगा, लेकिन ब्राह्मण को समझ में नहीं आया। अंत में सन्यासी जी ने एक फल निकाला और कहा, ले जाओ इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान कृपा करेंगे। ब्राह्मण देवता वो फल लेकर के आए, अपनी पत्नी को दिया, कहा लो इस फल को खा लो, संत ने दिया है, संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन उनकी पत्नी बड़ी विचित्र थी महाराज। धुंधुली ने उस फल को लिया और कहा, ठीक है मैं बाद में खा लूंगी, और फल को लेकर के गई। उसकी बहन भी वहीं पर थी। अपनी बहन से उसने कहा कि देखो मेरे पति ये फल ला करके दिए, इस फल को मैं क्या करूं, खाऊं कि न खाऊं। तो बहन ने कहा, खा लो, संत का प्रसाद है।
तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। तो उस स्त्री ने, आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी धुंधली ने उस फल को हाथ में लेकर के अपनी बहन से कहा कि देखो ये फल मैं नहीं खाऊंगी। बोले क्यों? बोले फल भक्षेण गर्भस्यात्, इस फल को अगर मैं खाऊंगी तो मुझे गर्भ हो जाएगा। बहन ने कहा इसीलिए तो महात्मा जी लेकर के आए, गर्भ होगा तभी ना संतान पैदा होगा, संतान तभी होगी जब गर्भ होगा, तो तुम्हें तो खाना ही चाहिए। तो उस धुंधली ने, उसका नाम धुंधली था, उसने कहा कि फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता, अगर ये फल मैं खाऊंगी तो उस फल के खाने से मेरा गर्भ बढ़ जाएगा, और गर्भ अगर बढ़ गया तो स्वल्प भक्षम ततो शक्ति ही, तो मेरा भोजन कम हो जाएगा, क्योंकि पेट में बच्चा आ जाएगा तो मैं खाना कैसे खाऊंगी। अब कुतर्क है ये, अपनी बुद्धि लगाई। कुछ लोग अपनी बुद्धि से ही स्वयं परेशानी को अपने जीवन में मोल ले लेते हैं। उसने कहा अगर मैं फल खाऊंगी तो गर्भ होगा, गर्भ से हमारा पेट बड़ा हो जाएगा, और अगर मैं कुछ खाना चाहूंगी तो खा नहीं पाऊंगी क्योंकि गर्भ में तो बच्चा आ जाएगा, और जब मेरा भोजन कम हो जाएगा तो शक्ति कम हो जाएगी, और शक्ति अगर कम हो जाएगी तो गृह कार्यम कथम भवेत, ये घर गृहस्थी कैसे चलेगी, घर का इतना काम मेरे सिर पर, और मानो किसी प्रकार से ये सब मैं कर लूं लेकिन कहीं किसी दिन गांव में अगर आग लग गई। अब देखो कल्पना, सोचने की दृष्टि क्या है। वो धुंधली कहती है कि अगर मैं फल को खाऊंगी और मुझे गर्भ हो गया और कहीं संजोग से गांव में आग लग गई तो दैवाद दैवाद घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भिणी कथम, लोग तो भाग करके अपनी जान बचा लेंगे, मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं तो गर्भवती रहूंगी, मुझे तो जलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उसकी बहन ने कहा अरे इतनी दूर तक मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो तब दूसरा कारण बताया। धुंधली ने कहा चलो ये सब नहीं होगा लेकिन जब बच्चे के जन्म का समय आएगा तब, बोले जैसे सबको बच्चा होता वैसे तुमको भी होगा। तो धुंधली ने कहा तिर्यक्चेत आगतो गर्भो तदा मे मरणम भवेत, धुंधली ने कहा कि कहीं बच्चा पेट में उल्टा हो गया, तिर्यक्चेत आगतो गर्भ, अगर गर्भ तिर्यक हो गया, तिरछा हो गया, टेढ़ा हो गया तो तदा मे मरणम भवेत, तब तो मेरा मरण हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी। और अगर मैं नहीं मरी तो बच्चे को जन्म देने में तो मैं मर ही जाऊंगी। बोले क्यों? बोले प्रसूत दारुणम दुखम, बच्चे का जब जन्म होता है तो मां को बड़ा दुख होता है, मैंने सुना है। सुकुमारी कथम सहे, मैं तो अत्यंत सुकुमारी हूं, उस दुख को कैसे सहन कर पाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी, मेरा मरण हो जाएगा और मुझे मरने की चिंता नहीं है, मरना तो है। अब उसका अज्ञान देखो, धुंधली कहती है मैं तो मर जाऊंगी इसकी चिंता नहीं, लेकिन चिंता इस बात की है कि मरने के बाद मेरा सारा धन मेरी ननद और जेठानी ले लेगी। मंदायाम मई सर्वस्वम ननांदा संहरेत तदा, मेरे मर जाने के बाद मेरी नंद मेरी भौजाई मेरी जेठानी देवरानी जो है वो सब मेरा धन ले लेंगी। यही मोह है, मरने के बाद भी व्यक्ति संसार से मोह बना करके रखता है, इसीलिए मरने के बाद भी उसका कल्याण नहीं होता, उसी परिवार में आकर के वो पैदा होता और उसे भोगता है। एक कथा है ऋषि पंचमी व्रत की कथा, भी ऋषि पंचमी बीती है 5 दिन पहले, ऋषि पंचमी व्रत की कथा को कभी पढ़ लेना, उसमें मोह की एक विलक्षण कथा है। एक व्यक्ति था वो खेती करता था, तो जब खेत में बैल को जोतने ले गया और बैल को जोत करके लेकर के आया और सूखा भूसा उसे डाल दिया, बेचारा खा करके पड़ा था।
एक बिल्ली थी उसके घर में, वो बिल्ली भी बेचारी रूखा सूखा खा लेती थी। एक दिन घर में दूध पीने गई तो उसकी पत्नी ने एक बेलना मारा महाराज, उस बिल्ली की कमर टूट गई। अब वो दो पैर से घसीट घसीट करके चलती और दरवाजे पर बैठी रहती। रात में पति पत्नी जब सो रहे थे तो बिल्ली और बैल आपस में बात कर रहे थे। बिल्ली और उस बैल की वार्ता को उन दंपति ने सुना। क्या वार्ता थी? बोले वार्ता ये थी कि वो बैल कह रहा था कि इस बेटे को मैंने कितने प्यार से पाला है। वो बैल कोई और नहीं था महाराज, उस लड़के का बाप था, वही घर में बैल बनकर के पैदा हुआ मोह के कारण। और वो बिल्ली कोई और नहीं थी, उस लड़के की मां थी। अब वो बिल्ली और वो बैल आपस में बात करते, बिल्ली कहती कि ये मेरा बेटा कितना अच्छा, इसके भले के लिए मैं गई थी दूध को जूठा करने, लेकिन ये समझ नहीं पाई और मुझे मार दिया। हुआ क्या था? बोले वो गृहस्थ ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए खीर बनाने जा रहा था, और जिस दूध से खीर बनाने जा रहा था उस दूध को सांप ने जूठा कर दिया था। घर के व्यक्ति ने देखा नहीं था, बिल्ली ने देखा था। तो बिल्ली ने सोचा कि मेरा ये बेटा, वो उसी की माँ थी पूर्व जन्म की, उसने सोचा कि मेरा बेटा ब्राह्मणों को भोजन कराएगा, भंडारा करेगा, और ये जूठा दूध, इसका धर्म नष्ट हो जाएगा। अब इसको मैं कैसे बताऊं? तो बिल्ली बता तो पावे नहीं, तो जानबूझ करके बिल्ली उसी के सामने जाकर के दूध को जूठा कर दी कि मैं जूठा कर दूंगी तो ये इस दूध को फेंक करके कोई दूसरी व्यवस्था करेगा। लेकिन महाराज उसकी पत्नी ने देखा तो पत्नी ने एक डंडा मारा, बिल्ली की कमरे टूट गई। वो बेचारी गई थी भला करने के लिए। तो दोनों पति पत्नी बैठ करके, वो बिल्ली और बैल आपस में चर्चा कर रहे थे। उस गृहस्थ ने जब सुना तो उसकी आंख खुल गई। पूरी कथा मैं आपको नहीं सुनाऊंगा, केवल सार इतना है कि इस मोह के कारण ही हम संसार में पुनः पैदा होते हैं, उसी घर में उसी परिवार में, कुत्ता बिल्ली गधा बन करके, और फिर उसी में हम खपते रहते हैं, चलते रहते हैं। यही भगवान की माया। महाराज मरने के बाद भी व्यक्ति का मोह नहीं छूटता, संसार की आसक्ति बनी रहती है। धुंधली ने कहा मैं मर जाऊंगी तो मेरा धन मेरी ननद ले लेगी, मेरी जेठानी ले लेंगी, और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं बच गई, तो उस बच्चे का मैं लालन पालन कैसे करूंगी। लालने पालने दुखम, उस बच्चे का लालन पालन करने में दुख होगा, इसलिए मैं ये काम नहीं करूंगी, मैं फल नहीं खाऊंगी। मैंने तो समझ लिया है संसार में दो ही स्त्री सुखी हैं, कौन कौन स्त्री? तो धुंधली ने कहा कि बंध्यावा विधवा नारी सुखिनी चेति मे मति, ही मेरी मति से तो दो ही स्त्रियां सुखी हैं, एक बंध्या और एक विधवा। क्यों? बोले बंध्या को पुत्र होगा नहीं और विधवा को पुत्र होगा नहीं, इसलिए ऐसी दो स्त्रियां सुखी हैं, बाकी तो सब दुखी हैं। अब उसकी यही सोच थी। अंत में धुंधली ने उस फल को ले जाकर के अपनी गाय को खिला दिया, गाय गर्भवती हुई फल के प्रभाव से। धुंधली ने नहीं खाया क्योंकि उसके प्रारब्ध में नहीं था, आत्मदेव के प्रारब्ध में पुत्र की प्राप्ति नहीं लिखी थी, इसलिए वैसी बुद्धि हो गई, और उसकी पत्नी ने वो फल गाय को खिला दिया। लेकिन उसकी बहन ने कहा कि फल तुम खाओगी नहीं, गाय को खिलाओगी, तो अपने पति को क्या बताओगी? धुंधली ने कहा मैं पति को बता दूंगी, मैंने फल खा लिया। बोले तो 9 महीने बाद तुम पुत्र को जन्म कैसे दोगी, इसका क्या उपाय होगा? तो धुंधली ने कहा मैं नाटक करूंगी कि मेरे गर्भ है, उनको पता थोड़ी चलेगा। बोले नाटक कई दिन चलेगा? 9 महीने? 9 महीने के बाद बच्चे का जन्म तो होना चाहिए, तब क्या करोगी? तो धुंधली ने कहा कि ऐसा करो, तुम्हारे भी तो गर्भ है। उसकी बहन ने कहा हाँ, तो ऐसा करो कि तुम अपना बेटा मुझे दे देना, चुपके से मैं तुम्हारे बेटे को मंगवा लूंगी, और ये रहस्य इनको पता नहीं चलेगा, बताऊंगी कि यही बेटा पैदा हुआ है, और तुम्हारे बेटे को मैं पालूंगी, तुम भी यहीं रहना, दूध पिलाना, और इसके बदले में मैं तुमको कुछ धन उन दे दूंगी।
उसकी बहन ने कहा ठीक है, दोनों ने मिलकर के योजना बनाई और फल खिला दिया गाय को। गाय गर्भवती हुई और इधर धुंधली गर्भवती होने का नाटक करने लगी। आत्मदेव ब्राह्मण नहीं जान पाए। 9 महीने बीता, अपने बहन के बेटे को ला करके दे दिया, दिखा दिया, और संजोग ऐसा बनाया कि जिस दिन प्रसव होने वाला था उसके 2 दिन पहले आत्मदेव को किसी काम से कहीं बाहर भेज दिया और उसी बीच बच्चे को मंगा लिया। और आत्मदेव ब्राह्मण आए, बोले आप गए, इधर बालक का जन्म हुआ, यही बालक पैदा हुआ। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, पुत्र की प्राप्ति। आत्मदेव नहीं जान पाए कि ये मेरा बेटा है कि किसी दूसरे का बेटा। इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा है कि त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। मनुष्य क्या जानेगा? स्त्री अगर अपने दुष्टता पर उतर जाए, अपनी चतुराई पर उतर जाए, तो दुनिया के बड़े बड़े बुद्धिमान पुरुषों की बुद्धि भी फेल हो जाएगी। ये पक्की बात है, शास्त्र कहता है त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति, देवता भी नहीं जान सकते, कुतो मनुष्य, मनुष्य की क्या गति। आत्मदेव ब्राह्मण जिन्होंने 4 वेद 6 शास्त्र जान लिया लेकिन अपने पत्नी के चरित्र को नहीं जान पाए, और मरते दम तक जीवन भर नहीं जान पाए कि यह बेटा किसका है। और तो और छोड़ो, हाँ बड़े खुश हुए मुझे बेटा मिला। उधर गाय ने भी एक सुंदर बछड़े को जन्म दिया और गाय का जो बछड़ा हुआ वो भी अद्भुत था। हमारा पूरा शरीर मनुष्य के समान और कान जो थे उसके वो गाय के समान थे। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए, भगवान ने बड़ी कृपा की, मुझे 2 बेटा दिया, एक मेरी पत्नी को संतान हुआ, मेरी गाय ने भी ऐसा सुंदर मनुष्य जैसा बच्चा दिया। दोनों का पालन पोषण करने लगे आत्मदेव ब्राह्मण, दोनों का नामकरण किया। वो जो गाय का बछड़ा था उसका नाम रखा गोकर्ण, गाय के समान उसके कान थे, इसलिए आत्मदेव ने कहा इसका नाम गोकर्ण होगा। और फिर उस बेटे का नामकरण करने चले तो आत्मदेव ने कहा इसका नाम ब्रह्मदेव होगा, हम आत्मदेव और हमारे बेटे का नाम ब्रह्मदेव। तो धुंधली लड़ पड़ी महाराज, वो पत्नी सामने खड़ी हो गई, बोले ऐसा नहीं होगा। क्यों? धुंधली ने कहा 9 महीने तक गर्भ में हमने रखा, दुख सुख हमने सहा, और नाम आपके नाम पे रहेगा, आप आत्मदेव तो आपका बेटा ब्रह्मदेव, ऐसा नहीं होगा। तो आत्मदेव चुप हो गए, बोले तब क्या होगा? तो धुंधली ने कहा मेरे नाम से जुड़ा हुआ नाम मेरे बेटे का होगा। बोले तो क्या नाम होगा? धुंधली ने कहा मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। कहें वाह यही नाम ठीक, और वही नाम रखा महाराज पत्नी धुंधकारी। श्री सूत जी महाराज कहते हैं गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलह। गाय के जो पुत्र थे गोकर्ण जी महाराज, वो तो बड़े हुए, बड़े पंडित हुए, विद्वान हुए महाराज, लेकिन धुंधकारी महादुष्ट हुआ। जबकि दोनों को पढ़ाया लिखाया आत्मदेव ने, दोनों के समान संस्कार किए, समय पर दोनों का यज्ञोपवीत किया, उपनयन किया, दोनों को वेद शास्त्र पुराण पढ़ाने लिखे, लेकिन धुंधकारी महान दुष्ट हुआ और गोकर्ण जी महान पंडित हुए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलह, धुंधकारी महादुष्ट हुआ। कारण? बोले कारण यही था, कितना भी पढ़ाओ लिखाओ संस्कार दो लेकिन बीज का संस्कार नष्ट नहीं होता, बीज का भी अपना संस्कार होता है। जैसे एक ही गमले में, एक ही मिट्टी के पात्र में आम का बीज लगाओ और नीम का बीज लगाओ, दोनों को बराबर पानी दो, बराबर खाद दो, और दोनों अगल बगल ही लगाए जाएं, दोनों को एक समान पानी दिया, एक समान सूर्य का प्रकाश मिला, एक समान दोनों की सेवा होती रही, लेकिन बड़े होने पर आम में जो फल लगा वो मीठा था और नीम में जो फल लगा वो तीता था। ये बीज का प्रभाव, उत्पत्ति जैसी होगी, संस्कार का अपना महत्व होता है लेकिन उत्पत्ति का जो मूल है उसका भी अपना महत्व होता है, उसके भी गुणधर्म होते हैं।
संस्कार कितना भी अच्छा आप दे दो, लेकिन उसकी उत्पत्ति ही अगर गलत है तो वो संस्कार उसको नहीं बदल सकता। धुंधकारी महान दुष्ट हुआ। अब महाराज वो इतनी दुष्टता करने लगा कि उसकी दुष्टता से आत्मदेव ब्राह्मण परेशान हो गए। वही आत्मदेव ब्राह्मण जो एक दिन बेटे के वियोग में रो रहे थे, मरने जा रहे थे कि मर जाएंगे, आज उसी बेटे के कारण इतने दुखी हुए कि मरने के लिए जाने लगे, अब मैं जाकर के मर जाऊंगा। आपने जीवन में देखा होगा, गृहस्थ जीवन में, किसी गृहस्थ का बेटा इतना नालायक दुर्वृत्त हो जाए, दुराचारी हो जाए, तो बाप अपना सिर पीटता है और यही कहता, मैं मर जाऊं, यही दिन देखने के लिए बचा था। आत्मदेव की भी यही स्थिति हो गई। एक दिन वो था कि बेटे के लिए मरने जा रहे थे, आज बेटे के कारण मरने जा रहे। तब बेटा नहीं था इसलिए मर रहे थे, आज बेटा है इसलिए मर रहे। यही संसार है। आत्मदेव ब्राह्मण जब मरने के लिए चल पड़े कि अब जाकर के मैं आत्महत्या कर लूंगा, उस दिन जब मरने जा रहे थे तो एक सन्यासी ने इनको बचाया था फल देकर के, लेकिन आज जब मरने चले तो गाय के पुत्र जो गोकर्ण जी महाराज परम ज्ञानी हैं, उन्होंने अपने ज्ञान फल से इनको बचाया। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी आप मरने मत जाओ, क्यों मरोगे? आत्मदेव ने कहा, इस धुंधकारी की दुष्टता से मैं त्रस्त हो चुका हूं, अब मैं मर जाना चाहता हूं। तो गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी आप धुंधकारी के दुराचरण से दुखी नहीं हैं, आप अपने मोह के कारण दुखी। आत्मदेव ने कहा, मोह? बोले हां, आपने इसको अपना बेटा मान लिया इसलिए आप दुखी हो। और वास्तव में दुख जो है वो मोह के कारण ही होता है। आपका बेटा चोर हो जाए, आपका बेटा लुच्चा लफंगा हो जाए, तो आप सिर पीटते हो, रोते हो। और दुनिया में कितने चोर हैं लेकिन आप नहीं रोते हो? दुनिया में चोरों की कमी है? कितने लोगों के बेटे चोर और बदमाश हैं, लेकिन उन चोर बदमाशों को देख करके आप सिर नहीं पीटते, आप नहीं रोते, लेकिन आपका बेटा चोर हो जाए तो आप रोते हो। क्यों? बोले उसके प्रति मोह है कि ये मेरा है और वो दूसरे का है, इसलिए अपना नहीं है, इसलिए मोह नहीं है, इसलिए दुख नहीं है। वास्तव में दुख चोर होने से नहीं है, दुख बदमाश होने से नहीं है, दुख इसलिए है कि तुमने उसको अपना माना। इसको कहते मोह। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि ते पुनि उपजहि बहुशूला। मोह ही समस्त व्याधियों का मूल है, सारे दुख का मूल है। हम दुखी तब होते हैं जब किसी चीज को अपना मान लेते हैं, तब उसके नष्ट होने पर हमें कष्ट होता है, और जब हम उसे अपना मानेंगे ही नहीं तो नष्ट होने पर कोई कष्ट नहीं। यही मोह है। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी आपने इसको अपना मान लिया इसलिए आप दुखी हैं। इसमें जो आपकी अपनत्व बुद्धि है कि ये मेरा बेटा है, ये बुद्धि आप समाप्त कर दो, आपका दुख खत्म हो जाए। गोकर्ण जी ने कहा कि देहे स्थिमाम सरुधिरे भिमतिम त्यजत्वम। केवल अपने बेटे में, परिवार में नहीं, अपने इस शरीर में भी देहे स्थिमाम सरुधिरे। ये देह क्या है? मांस, हड्डी और खून का संघात ही तो है। हड्डी की राड पड़ी हुई है और मांस और खून का गारा और सीमेंट पड़ा हुआ है। जैसे घर बनाते हैं तो बीच में पिलर बनाते हैं तो क्या करते हैं? बोले पिलर को मजबूती देने के लिए मोटी मोटी सरिया डाल देते हैं। लेकिन केवल सरिया पर घर नहीं बनेगा, मोटी मोटी लोहे की सरिया डालने के बाद उसके चारों तरफ सीमेंट और कंक्रीट की ढलाई कर देते हैं। लेकिन केवल ढलाई करने से काम नहीं चलेगा, वो बेकार दिखेगा। तब बोले ऊपर से बढ़िया सुंदर प्लास्टर कर देते हैं, और प्लास्टर करने के बाद रंग रोगन कर देते हैं, उसको चमका देते हैं, फिर घर बन गया, फिर उस घर में रहते हैं। उसी प्रकार इस शरीर में हड्डी ही मानो वो
मोटी मोटी सरिया है और मांस और खून का गारा लगा करके इस पिलर को बनाया गया। ऊपर से सुंदर गोरे और सफेद रंग के चमड़े से इसका प्लास्टर कर दिया गया और ऐसे घर के अंदर आत्मा बैठ गई। आत्मा को आनंद आने लगा, लेकिन यथार्थ में घर में हम रहते हैं, घर हम नहीं, घर हमसे अलग है, यही ज्ञान है। अब महाराज गोकर्ण जी कहते हैं कि देहे स्थिमाम सिरुधिरे भिमति त्यजत्वम, इस देह में, इस मांस के शरीर में जो तुम्हारी अभिमति है, इस अभिमति को त्यागो। अभिमति माने ये मेरा है ऐसी मति। अभिमतिम त्यजत्वम, और केवल अपने ही शरीर में नहीं, इस शरीर से संबंधित जितने शरीर हैं, पत्नी पुत्र परिवार पिता सब में। जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच, पत्नी पुत्र इत्यादि में जो ममता है उस ममता का भी त्याग करो। समझना, इसका मतलब यह नहीं है कि आप सबको छोड़ दो, व्यक्ति को मत त्यागो, व्यक्ति के प्रति जो ममता है उस ममता को त्यागो। घर को मत त्यागो, घर के प्रति जो ममता है उस ममता को त्यागो। पुत्र परिवार को मत त्यागो, पुत्र परिवार के प्रति जो ममता है उस ममता को त्यागो, क्योंकि ममता ही दुख देती है। तो कहते हैं जाया सिता दिशु सदा ममताम विमुंच, पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंगुनिष्ठम, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ क्षण भंग निष्ठम। ये संसार जो है क्षण भंगुर है, कब टूट जाए कब छूट जाए इसका कोई ठिकाना नहीं, इसलिए इसके प्रति जो आसक्ति है उसे त्याग करके आप वैराग्य संपन्न बनो। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, धर्म का भजन करो लोक धर्म का त्याग करके। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान, और काम तृष्णा को त्याग करके सत्पुरुषों का संग करो, सत्पुरुषों की सेवा करो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, दूसरे के गुण और दोष का चिंतन करना छोड़ दो। क्यों बोले, गुण और दोष का चिंतन करने से ही ममता और द्वेष उत्पन्न होता। जिसके गुण का चिंतन करोगे उससे राग होगा, और जिसके दोष का चिंतन करोगे उससे द्वेष होगा, और ये राग द्वेष यही दुख का मूल बन जाता है। बड़ा सुंदर उपदेश दिया महाराज गोकर्ण जी ने, और वह उपदेश सुनकर के आत्मदेव ब्राह्मण को ज्ञान उत्पन्न हो गया। आत्मदेव ने कहा बेटा तुम ठीक कहते हो, हम नहीं मरेंगे, हम अपना जीवन जिएंगे, मरने दो, चोर बन जाए चाहे डाकू बन जाए, जो करेगा सो भरेगा। मन से त्याग दिया अपने बेटे को और सुखी हो गए। वही आत्मदेव जो अपने बेटे के आचरण से दुखी होकर मरने जा रहे, वही आत्मदेव ने कहा अब जो होगा होगा, उसके कर्म उसके साथ, मेरे कर्म मेरे साथ, मैं तो भगवान का भजन करूंगा। भगवान के भजन में लग गए। आत्मदेव ब्राह्मण ने तो अपना उद्धार कर लिया, उनका कल्याण हो गया, लेकिन वो धुंधकारी गोकर्ण जी महाराज तो तीर्थ यात्रा करने चले गए। धुंधकारी घर में अकेले रहता था, जब पिताजी भी चले गए, भाई भी बाहर चला गया, धुंधकारी को परम स्वतंत्रता मिल गई, और धुंधकारी ने अपने सारे कुकर्म का विस्तार किया, वेश्याओं को लाकर के घर में रख लिया, घर की सारी संपत्ति उन्हीं के लिए लुटा दिया। जब धन नहीं बचा तो अपनी मां से कहा धन निकालो, वही धुंधली जिसने अपने पति को धोखा दिया था। धुंधली ने कहा सब तो मैंने तुमको दे दिया, अब क्या बचा है। तो धुंधकारी ने अपनी उस मां को, धुंधली को खूब मारा, मार मार करके उसके शरीर को व्रण से युक्त कर दिया, और वो रोती रही, अपने कर्मों का फल प्राप्त करती रही। अंत में धुंधली ने कहा कि अब मैं मर जाऊंगी, और जाकर के कुएं में कूद करके धुंधली ने आत्महत्या की। उसके कर्म का फल उसे मिला, धुंधली ने तो आत्महत्या की कुआं में कूद करके, और आत्मदेव ब्राह्मण निश्चिंत होकर के भजन करते हुए जीवन व्यतीत करने लगे, चले गए। उनको कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि वो मोह से मुक्त हो चुके थे। जब मां भी मर गई कुआं में कूद कर, आत्मदेव ब्राह्मण चले गए, गोकर्ण जी महाराज भी तीर्थ यात्रा करने चले गए।
द्वंदकारी ने सब वेश्याओं को ला करके घर में रख लिया। अब उनके लिए चोरी करे, गलत काम करता भाई, उनका भरण पोषण करना। एक दिन बहुत बड़ी चोरी की उसने महाराज, और ढेर सारा धन लेकर के आया। तो उन वेश्याओं ने देखा कि आज तो बड़ा माल लेकर के आया, माल तो बहुत है, लेकिन इतनी बड़ी चोरी इसने की है, राजा के सिपाही इसको ढूंढेंगे और जरूर इसे पकड़ेंगे, और ये पकड़ा गया तो इसके साथ हम लोग भी पकड़े जाएंगे। इससे अच्छा है कि इसका साथ हमें छोड़ देना चाहिए। उन गणिकाओं ने आपस में विचार किया कि अगर इसको बता करके इसका साथ हम छोड़ेंगे तो ये हमको जाने नहीं देगा, हमको भी मार डालेगा, तो क्या करें। पांचों गणिकाओं ने मिलकर के विचार किया कि हम लोग मिलकर के इसको ही मार डालें। और रात्रि में धुंधकारी सो रहा था, तो वही गणिकाएं जिनके लिए उसने चोरी की, पाप किया, सब कुछ किया, उन्हीं पांचों वेश्याओं ने मिलकर के सोते हुए धुंधकारी को रस्सी से लपेट लपेट करके खाट में बांधा, और बांधने के बाद मारना शुरू किया। लेकिन मारते मारते थक गई, वो मरा नहीं मरा। अंत में तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे विचिक्षिपुहु, पांचों ने विचार किया कैसे मरेगा, ये तो बड़ा मुष्टंड है, मर ही नहीं रहा, इतना मारने के बाद भी नहीं मर रहा। तब पांचों ने विचार किया ऐसा करो, इसके मुख में ला करके जलती हुई लुआठी डाल दो, सांस अवरुद्ध हो जाएगी, मुंह जल जाएगा, तब तो मरेगा। हाथ पैर बंधे थे, जलती हुई लकड़ी लेकर के उसके मुख में ठूंस दिया आग। तप्तांगार समूहश्च तन मुखे ही विचिक्षिपु, धुंधकारी के मुख में जलती हुई लकड़ी डाल दी, गले तक घुसा दिया, श्वास अवरुद्ध हो गया, मुंह जल गया, तड़प तड़प करके धुंधकारी मर गया। फिर उसी आंगन में खोद करके उसे गाड़ दिया, और ऊपर से जमीन बराबर करके गाय के गोबर से लीप करके घर में ताला लगाकर सारा माल लेकर के गणिकाएं चली गई। पड़ोस के लोगों ने पूछा कहां जा रही हो, बोले मैं जा रही हूं अपने घर, कुछ दिन बाद आऊंगी, हमारे पति बाहर गए। लोगों को ऐसा बताया, किसी को यह रहस्य पता नहीं चला। इस दर्दनाक मृत्यु के कारण, अकाल मृत्यु के कारण धुंधकारी मरने के बाद प्रेत हो गया। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा में गए थे, तीर्थ यात्रा के प्रसंग में गोकर्ण जी ने गया में जाकर के श्राद्ध किया, पिंडदान किया पितरों के उद्धार के लिए। कुछ दिन बाद लौट करके जब तीर्थ यात्रा करके आए अपने घर, तो घर का ताला तोड़ा, सफाई की, खाट बिछाई, रात में जब सोए तो धुंधकारी प्रेत प्रकट हो गया महाराज। सकृन में सकृत हस्ती, कभी वो भेड़ के रूप में दिखाई पड़े, कभी हाथी के रूप में दिखाई पड़े, सकृत चमहिषो भवत, कभी भैंसे के रूप में दिखाई पड़े। आत्मदेव समझ, ओ गोकर्ण जी महाराज समझ गए ये कोई प्रेतात्मा है, और इसने अपने पाप के कारण दुर्गति को प्राप्त किया, लेकिन कौन है ये अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा था प्रेत। तो गोकर्ण जी महाराज तो ज्ञानी थे, उन्होंने हाथ में जल लेकर के अभिमंत्रित करके जल का जब छींटा दिया तो उस प्रेत को थोड़ी शांति मिली और उसके अंदर बोलने का सामर्थ्य उत्पन्न हुआ। तब उस प्रेत ने कहा, धुंधकारी ने पूछा, तुम कौन हो, क्या चाहते हो? ओ गोकर्ण जी ने पूछा, तुम कौन हो, क्या चाहते हो? तो प्रेत बना हुआ धुंधकारी बोल पड़ा और उसने कहा कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, मैं तुम्हारा भाई हूं। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी इति नामतः, मेरा नाम धुंधकारी है। गोकर्ण जी ने कहा, अरे धुंधकारी भैया, तुम प्रेत हो गए? धुंधकारी ने कहा कि हाँ, स्वकीये नैव दोषेन ब्रह्मत्वं नाशितं मया,
अपने ही दोष के कारण मैंने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया। ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न होकर के मैंने ब्राह्मणोचित आचरण नहीं किया। मेरे पूर्व जन्म के ऐसे कुसंस्कार थे जिसके कारण मैं अपने धर्म का निर्वाह नहीं कर सका और मैं प्रेत बन गया, मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी, मैंने तो गया में श्राद्ध किया, गया में श्राद्ध करने पर पितरों को मोक्ष मिल जाता है और तुम मुक्त नहीं हुए। तो धुंधकारी ने कहा, गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। धुंधकारी ने कहा, एक बार नहीं 100 बार गया में श्राद्ध करो फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। लोग कहते हैं गया में श्राद्ध कर लें तो सब पितर मुक्त हो जाएंगे। बहुत से ऐसे पाप हैं जिन पापों के कारण गया श्राद्ध करने पर भी पितरों को मुक्ति नहीं मिलती, उसका प्रमाण है ये धुंधकारी, ये भागवत की कथा, महात्म्य की कथा। तब गोकर्ण जी ने विचार किया कि गया श्राद्ध करने पर भी जिस प्राणी की मुक्ति न हो, उसके पाप नष्ट न हो, उसके लिए क्या करना चाहिए। रात बीती, जब सवेरा हुआ तो गोकर्ण जी महाराज ने स्नान करके जब संध्या वंदन किया, सूर्य भगवान को अर्घ दिया, तो अर्घ देने के बाद सूर्य भगवान से ही गोकर्ण जी ने पूछा, हे भुवन भास्कर, हे मरीचमाल, हे प्रभाकर, आप कृपा करके बताओ कि जिस प्राणी का उद्धार गया श्राद्ध करने पर भी न हो, उस प्राणी के उद्धार के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि आप समस्त विद्याओं के अधिपति हैं, समस्त विद्याओं के अधीश्वर भगवान सूर्य हैं। इसीलिए गायत्री मंत्र में सूर्य भगवान की प्रार्थना की जाती है, तत्सवितुर्वरेण्यम, तत्सवितुर्वरेण्यम, उस सविता देवता का हम क्यों। बोले धियो यो न प्रचोदयात, धी माने हमारी बुद्धि को जो प्रचोदयात माने प्रेरित करें, सत्कर्म में लगावे, मुझे बुद्धि प्रदान करें, क्योंकि समस्त ज्ञान विज्ञान को देने वाले भगवान सूर्य हैं, समस्त विद्याओं के अधीश्वर हैं। प्रलय हो जाने पर, सब कुछ नष्ट होने पर भी समस्त विद्याएं भगवान सूर्य के पास सुरक्षित रहती हैं। सूर्य भगवान से पूछा गोकर्ण जी ने, हे भगवान, आप कृपा करके बताओ। तो सूर्य भगवान की किरणों से आवाज आई। सूर्य भगवान ने कहा, गया श्राद्ध करने पर भी जिस प्राणी का उद्धार न हो, उसके उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन करना चाहिए। ये भागवत की महिमा है, कितना महत्वपूर्ण ये ग्रंथ है महाराज। सूर्य भगवान ने कहा, गया श्राद्ध करने पर भी जिसकी मुक्ति न हो, उस प्राणी की मुक्ति के लिए संकल्प करके वह प्राणी अपने पाप से मुक्त होकर के प्रेत योनि से मुक्त हो जाए, ये संकल्प करके उसके निमित्त भागवत की कथा का आयोजन किया जाए और 7 दिन विधि पूर्वक अनुष्ठान करके उसे भागवत की कथा सुनाई जाए, तो बड़े से बड़े प्रेतात्मा को भी मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। सूर्य भगवान ने जब कहा तो गोकर्ण जी बड़े प्रसन्न हुए और गोकर्ण जी महाराज ने भागवत की कथा का आयोजन किया। कब? बोले अषाढ़ के महीने में, अषाढ़ के शुक्ल पक्ष की 9वीं से गुरु पूर्णिमा पर्यंत 7 दिन तक विधि पूर्वक श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान किया गोकर्ण जी। सब लोग सुनने आए, वो धुंधकारी प्रेत भी सुनने आया, वो किसी को दिखता नहीं था, आया सुनने के लिए। और कहां बैठा? बोले उसी पांडाल में एक बांस गड़ा हुआ था, खंभा, उसी बांस में वो बैठ गया, क्योंकि प्रेतात्मा वायु रूप था।
उस बांस के अंदर बैठ करके 7 दिन तक उसने कथा सुनी, और संयोग से जिस बांस में वो बैठा उस बांस में भी 7 पर्व थे, 7 गांठें थीं, जैसे बांस में गांठ होती है, 7 गांठ का वो बांस था। उसी बांस में धुंधकारी बैठा, 1 दिन की कथा सुनी तो 1 गांठ फट गई, दूसरे दिन दूसरी गांठ फटी वो ऊपर आया, तीसरे दिन तीसरी गांठ फटी। इस प्रकार से 7 दिन तक धुंधकारी ने बांस में बैठकर कथा सुनी और 7वें दिन बांस के 7ों पर्व फट गए। धुंधकारी जो प्रेत था उसका प्रेत शरीर गायब हो गया और वो दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम भूषितः, सुंदर पीतांबर पहने हुए, तुलसी की माला पहने हुए, पीतवासा घनश्यामो, पीतांबर पहने हुए, मुकुट लगाए हुए, मुकुटी कुंडला ननह, कानों में सुंदर कुंडल पहने हुए, दिव्य रूप में, देवता के रूप में धुंधकारी प्रकट हो गया। कितनी अद्भुत बात है, धुंधकारी ने बांस में बैठ करके कथा सुनी और 7 दिन में मुक्त हो गए। और हमारा आपका दुर्भाग्य कि हम बिस्तर पर बैठ करके भी कथा नहीं सुन पा रहे हैं। बिस्तर लगाओ, गद्दे लगाओ, पंखे लगाओ, सोफा कुर्सी लगाओ, उसके बाद भी व्यक्ति कथा सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो आत्म कल्याण नहीं चाहता है। जो आत्म कल्याण करना चाहेगा वो किसी भी परिस्थिति में इस ज्ञान को सुन करके आत्म कल्याण करेगा, और जो अपना कल्याण स्वयं नहीं चाहता उसका कल्याण कोई नहीं कर सकता। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। बांस में बैठ करके 7 दिन तक उसने कथा सुनी और हम बिस्तर पर बैठकर नहीं सुन पाते, और सुनने के लिए कितनी भी व्यवस्था कर दो तो सुनने वाले आते कहते महाराज क्या जाएं सुनने, वहां तो बैठने की जगह नहीं, बैठने की सुविधा नहीं, जमीन में कैसे बैठें, घास में कैसे बैठें। अरे तुम घास में नहीं बैठ सकते, वो बांस में बैठ करके सुन लिया, सोचने वाली बात है। अपना कल्याण आपको स्वयं करना है, कोई किसी का कल्याण नहीं करता। आप स्वयं संकल्पबद्ध होंगे हमें अपना कल्याण करना है तभी आपका कल्याण होगा। धुंधकारी 7 दिन भागवत की कथा सुनकर के मुक्त हो गया। 7वें दिन जब दिव्य रूप में, देवता के रूप में धुंधकारी प्रकट हुआ तो ननाम भ्रातरम सद्यो, अपने भाई गोकर्ण जी को प्रणाम किया। गोकर्णमिति चाब्रवीत, त्वया हम मोचितो बंधो कृपया प्रेत कल्मषात्। हे बंधु, हे भाई, तुम वास्तव में मेरे बंधु हो, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। इस संसार में अपना बंधु कौन है, किसको हम अपना माने? बोले इस संसार में आपका अपना वही है जो आपको मुक्ति का मार्ग बताए, बाकी कोई अपना नहीं। बाकी जो तुम्हें अपना अपना कहते हैं वो तुम्हें अपना इसलिए कहते हैं कि उनका अपना स्वार्थ तुमसे जुड़ा हुआ है। इस बात को वेदों ने कहा कि नवा अरे पत्युः कामाय पतिप्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पतिप्रियो भवति। ये वेद का वाक्य है, वेद भगवान बोल रहे हैं। वेद कोई अरे गहरे नथु खैरे पंच कल्याणी की वाणी नहीं है, किसी तुक्कड़ की कविता नहीं है। वेद शाश्वत ज्ञान के भंडार हैं। वेद कहता है कि नवा अरे पत्युः कामाय पतिप्रियो भवति, संसार के पतियों तुम जो अपने को किसी का पति मान करके बैठे हो कि मैं इनका पति हूं, और वो पत्नी तुम्हारे लिए समर्पित होकर तुम्हारी सेवा कर रही है, बोले इस भ्रम में मत रहना। हाँ, बोले क्या है? बोले नवा अरे पत्युः कामाय पतिप्रियो भवति, पत्नी को पति इसलिए प्रिय नहीं होता कि वो पति है, तब किस लिए प्रिय होता है? तो वेद कहता है कि आत्मनस्तु कामाय पतिप्रियो भवति, आत्मा की कामना के लिए पति प्रिय,
पत्नी जानती है कि इनसे मेरा सुहाग है, इनसे मेरा सब कुछ है, ये रहेंगे तो हमारा सारा सुख बना रहेगा, इसलिए प्रिय है। और जिस दिन उसको पता चल जाए कि ये मेरे नहीं है, किसी और के हैं, ये मुझे नहीं चाहते हैं, मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, उसी दिन से वही पत्नी कालरात्रि बन जाएगी महाराज, एक गिलास पानी भी नहीं देगी। दे तो बताना हमको। नवारे पत्युः कामाय पतिप्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पतिप्रियो भवति। लेकिन ये केवल पत्नियों के लिए ही नहीं कहा गा, आप जैसे पुरुषों के लिए भी वेदों ने कहा। आगे क्या कहा वेदों ने? नवा अरे जाया कामाय जाया प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रियो भवति। वेद कहता है कि भाई पुरुष को पत्नी प्रिय है, तो पत्नी इसलिए प्रिय नहीं है कि उसकी पत्नी है, हाँ, पुरुष भी अपने स्वार्थ में है। आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति, अपनी कामना के लिए पत्नी प्रिय है कि समय से भोजन देती है, समय से कपड़ा धुल देती है, उसके घर के हर वस्तु की वो सुरक्षा करती है और वो निश्चिंत होकर के घूमता है, इसलिए पत्नी प्रिय है। ये सब काम पत्नी न करे तो वही पत्नी पति उस पत्नी को मार के घर से बाहर निकाल देगा। निकालेगा कि नहीं निकालेगा? तो ये संसार यही है महाराज, आत्मनस्तु कामाय, अपनी ही कामना के लिए संसार प्रिय है। लेकिन इस संसार में वास्तव में आपका कौन है? अगर ये प्रश्न उपस्थित हो तो इसका उत्तर क्या है? जब सब स्वार्थ के संबंध हैं दुनिया में, तो कौन हमारा अपना है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी सो सब भांति परम प्रिय, पूज्य प्राण ते प्यारो, और जाते हो या स्नेह राम पद ए तो ही मतो हमारो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी सो सब भांति परम प्रिय, पूज्य प्राण ते प्यारो। इस संसार में परम प्रिय और पूज्य और प्राण से भी प्यारा कौन हो सकता है आपका? कहते हैं जाते हो स्नेह राम पद, जिसके संबंध से राम जी के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाए, जो आपको राम जी के चरणों में प्रेम करना सिखा दे, जो आपको भगवान की भक्ति जीवन में दे दे, जो आपको भगवान से जोड़ दे, वास्तव में वो आपका बंधु है, बाकी कोई बंधु किसी का नहीं। वास्तविक बंधु वही है जो आपको बंधन से मुक्त करे। बंधु का मतलब क्या बोले? जो बंधन छुड़ा दे, और जो बंधन में डाल दे वो बंधु थोड़ी है, वो तो तुमको बंधुआ मजदूर बना लिया है और तुम उसके बंधुआ मजदूर बनकर के जीवन भर गुलामी ही करते रहो, यही संसार है। कहते बंधु कौन? बोले जो तुमको बंधन से मुक्त कर दे। तुलसी सो सब भांति परम प्रिय, पूज्य प्राण ते प्यारो, जाते हो स्नेह राम पद ए तो ही मतो हमारे। इसीलिए धुंधकारी ने अपने भाई को प्रणाम करते हुए कहा, जबकि वो भाई गोकर्ण जी सगे भाई नहीं, धुंधकारी तो किसी और का बेटा था, गोकर्ण जी गाय के पुत्र हैं, कहां मनुष्य कहां गाय। लेकिन धुंधकारी आज उसे समझ में आया, जब वो मुक्त हो गया कथा सुनकर के, उसके पाप नष्ट हो गए, दिव्य रूप की प्राप्ति हो गई, तो धुंधकारी ने कहा, ननाम भ्रातरम सद्यो त्वयाहं मोचितो बंधो कृपया प्रेत कल्मषात्। हे बंधु, तुमने हमको इस दुख से मुक्त कर दिया, इस बंधन से तुमने हमको मुक्त कर दिया, आज मैं प्रसन्न हूं। अब तो जितने श्रोता थे सभी श्रोताओं ने भी देखा महाराज, वो धुंधकारी दिव्य रूप में प्रकट हो गया था। अब धुंधकारी सुनाने लगा। धुंधकारी ने उन श्रोताओं के समक्ष गोकर्ण जी के सामने ही वर्णन करने लगा कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है ये भागवत की कथा जो प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत पीड़ा का विनाश कर देती है, प्रेत को भी प्रेत योनि से मुक्त कर देती है। सप्ताहो पितया धन्यः तथा धन्यः। एक सप्ताह में ही मैं सारे पाप से मुक्त हो गया, तो भक्तों ने पूछा धुंधकारी से, अब तो धुंधकारी को ज्ञान प्राप्त हो चुका था, धुंधकारी से पूछा कि ये बताओ कि ये
भागवत कथा सुनने से क्या क्या लाभ होता है? तो धुंधकारी कहता है कि कंपन्ते सर्व पापानी सप्ताह श्रवणे स्थिते। श्रीमद् भागवत महापुराण की साप्ताहिक कथा सुनने के लिए जो आकर के पांडाल में बैठ जाता है, कथा मंडप में आकर के बैठ जाता है, वो कथा पांडाल में घुसा कि उसके शरीर के सारे पाप निकल करके पांडाल के बाहर खड़े हो जाते हैं। कहां पर? बाहर जहां साइकिल स्टैंड बना है वहीं खड़े हो जाते हैं, सब वहां बाहर खड़े होंगे। जितने लोग बैठे हैं इनके सिर के सारे पाप निकल करके यत्र तत्र खड़े हैं, और खड़े होकर के क्या कर रहे हैं? बोले कांप रहे हैं थर थर, कहां जाएं? जिसकी सवारी कर रहे थे आज तक वो मुझे छोड़ करके गया। धुंधकारी कहता है कि कंपन्ते सर्व पापानी, सारे पाप कांपने लगते हैं कि अब मैं जाऊं कहां, जिसकी मैं सवारी कर रहा था, जो मुझे पाल रहा था, जो मेरा सेवन कर रहा था, वो मुझे छोड़ करके चला गया कथा में। बोले तुम भी चले जाओ। पाप कहता हम नहीं जा सकते, हम वहां कैसे जाएं, वहां तो कृष्ण की कथा हो रही। कंपन्ते सर्व पापानी सप्ताह श्रवणे स्थिते, सप्ताह श्रवण करने के लिए जो स्थित है, बैठ गया है, उसे देख करके पाप कांपने लगते। कौन से पाप? छोटे मोटे पाप, बड़े पाप, मोटे पाप, ताजा पाप, सूखे पाप। धुंधकारी कहता है आर्द्रम शुष्कम लघु स्थूलम, अर्थ आप कर लेना, बहुत सरल शब्द है। आर्द्रम, आर्द्रम माने भीगा, अर्थात ताजा ताजा पाप जो अभी करके आए होगे, कुछ देर पहले भी हो सकता कोई पाप करके आया हो, क्योंकि मनुष्य का शरीर है, कोई ना कोई पाप तो आदमी से होता ही। आर्द्रम शुष्कम, शुष्कम माने सूखा पाप जो पहले कर चुके हो। आर्द्रम शुष्कम लघु स्थूलम, लघु माने छोटा पाप, स्थूलम माने बड़ा पाप। आर्द्रम शुष्कम लघु स्थूलम वांग मनः कर्म अभिकृतम, वाणी से, मन से, कर्म से आपने जो कर्म किए, पाप किए। श्रवणम विदहेत पापम, अगर आप भगवान कृष्ण की कथा सुनने के लिए, भागवत कथा सुनने के लिए आए, तो वो सारे पाप विदहेत जल जाते, भस्म हो जाते, व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता। श्रवणम विदहेत पापम पावक समिधो यथा, और धुंधकारी कहता है हे भाई ये शरीर तो एक दिन नष्ट हो जाएगा, और ये शरीर क्या है? वही बात जो कुछ देर पहले मैंने आपको बताई, कि हड्डियों का राड और मांस और खून का गारा और चमड़े का प्लास्टर, यही धुंधकारी ने यहां पर कहा। धुंधकारी कहता है कि अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम, अस्थि स्तंभम, इस शरीर में हड्डियों का स्तंभ है माने पिलर है। स्नायुबद्धम, जब पिलर बनाते हैं तो पिलर में रिंग डालते हैं, और रिंग को बांधने के लिए पतले पतले तार को यूज करते हैं। स्नायुबद्धम, ये पतली पतली जो नसें हैं उनको बांध करके रखती हैं, यही वो नसें स्नायुबद्धम। और कहते हैं मांस सोणित लेपितम, ऊपर से मांस और खून का लेप किया गया, इसको भरा गया। और फिर बोले चरमावनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरीशयो हो। चरमावनद्धम, ऊपर से चमड़े से इसको सजा दिया गया, चिकना चिकना चमड़ा। और फिर लेकिन ये यथार्थ में है क्या? धुंधकारी कहता है पात्रम मूत्र पुरीशयो हो, ये शरीर क्या है? मल मूत्र का बर्तन है बस, और कुछ नहीं। बढ़िया से बढ़िया चीज खाओ, हाँ, बढ़िया छेना का रसगुल्ला, बढ़िया बढ़िया मिठाई, बड़े बड़े सुगंधित पदार्थ, लेकिन सब खाने के बाद क्या होता है?
खाने के 3-4 घंटे बीतने के बाद वो सुगंधित वस्तुएं, वो सुंदर वस्तुएं तुम्हारे शरीर में जाकर के मल बन जाती हैं और दुर्गंध को उत्पन्न करती हैं। बढ़िया से बढ़िया जूस पिया, बढ़िया से बढ़िया रस पिए और वो रस क्या बना, बोले जाकर के मूत्र बन गया। शरीर यही है, मल मूत्र का केवल पात्र है ये शरीर। एक महात्मा कहते थे, हमारे आपके शरीर से अच्छा तो फ्रिज है महाराज, वो जो घर में रखा रहता। क्यों, बोले फ्रिज में कम से कम कोई सामान रख दो तो 24 घंटे 48 घंटे खराब नहीं होता। ये तो शरीर इतना खराब है कि बढ़िया से बढ़िया वस्तु डालो 4 घंटे के बाद सब गंदा ही हो जाता। पात्र मूत्र पुरीषयो हो, ये शरीर तो केवल मल मूत्र का पात्र है। और दुष्पूरम दुर्धर्षम दुर्धरम दुष्टम सदोषम क्षणभंगुरम। दुष्पूरम, और कभी ये भरता भी नहीं। आज तक कितना खिलाए कितना पिलाए लेकिन ये तृप्त नहीं हुआ। अगर जोड़ो हिसाब तो जिसकी उम्र 50 साल हो गई होगी, बचपन से लेकर आज तक के 50 साल में उस व्यक्ति ने कम से कम 10 क्विंटल 20 क्विंटल तो चावल खाया ही होगा, और कम से कम 2-4 10 हजार लीटर तो पानी पी गया होगा। बताओ, 10 हजार लीटर पानी और क्विंटलों चावल अन्न खा गए लेकिन आज तक इसकी भूख नहीं मिटी। दुष्पूरम, कभी ये पूरा ही नहीं होता। अब महाराज धुंधकारी कहता है कि इस शरीर को पाकर, इस नाशवान शरीर को पाकर भगवान का भजन कर लो, यही इसकी सार्थकता है। आत्म कल्याण कर लो, यही सार्थकता है, यही इसका उपयोग है। और महाराज धुंधकारी ने बड़ी सुंदर सुंदर बातें बताई ज्ञान की। गोकर्ण जी महाराज